हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रिवीजन रोज। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन प्लस 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक्स बाय 2 माइनस 1 बाय 5 इक्वल टू एक्स बाय 3 प्लस 1 बाय 4। देखो, जब भी ऐसी इक्वेशन आती है, आपने सबसे पहले एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। इधर वाली राइट हैंड साइड है, इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो एक्स बाय 2 को यहां रखना है, इक्वल टू का साइन लगाना है। ये एक्स बाय 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाय 3। हमेशा साइन चेंज होता है। अगर इक्वल टू के इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस एक्स बाय 3 इक्वल टू 1 बाय 4, ठीक है। फिर ये 1 बाय 5 माइनस में है, ये इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाय 5। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया ना। जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे या लेफ्ट से राइट पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा। ये इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, माइनस एक्स बाय 3। ये माइनस 1 बाय 5 था, इधर जाके प्लस 1 बाय 5 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब देखो, 2 और 3 का एलसीएम आपको आता होगा, आपने सीखा होगा पहले। फिर मैं बता देती हूँ, 2 1 जा 2, 3 का 3, फिर 3 1 जा 3, तो 2 3 जा 6। क्या एलसीएम आ गया हमारा, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हम नीचे 6 लिखेंगे, फिर जो एलसीएम होता है उसको अंदर रखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 6 को 2 से डिवाइड किया, क्या आंसर आएगा, 2 3 जा 6, 3 आंसर होगा। 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस, फिर 6 को हमने अंदर रखा, 3 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आएगा, 2, 3 2 जा 6, 2 इज द आंसर। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x इक्वल टू, फिर हमें 5 और 4 का एलसीएम लेना है। देखो, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि ये दोनों ही इवन और ऑड नंबर्स हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 1 जा 4 हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो क्या आ जाएगा, 4 5 जा 20 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे, 20 को 4 से डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा, 4 5 जा 20, 5 आंसर आएगा, 5 1 जा 5। फिर आंसर को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर 20 को 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20, 4 इज द आंसर। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से समझो इसको, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो, 3x में से 2x जाएंगे, x आ जाएगा अपॉन में 6 इक्वल टू 5 में 4 ऐड कर देंगे, 9 बाय 20, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमने x को यहीं पे रखना है, 6 यहां चला जाएगा, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो हमने 20 को यहां नहीं लेके जाना, 6 को यहां ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू 6 बाय 20, ठीक है। अब इसको काटो, देखो 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, एक ही टेबल पे कट गए ना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27 अपॉन में क्या आ जाएगा, 10। तो हमारा आंसर क्या आया फर्स्ट क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू 27 बाय 10 इज द आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ आ गया, क्लियर हो गया सबको। अपने हाथ से इसको एक बार करो आराम से बैठ के, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें पहले ही n वाले जो नंबर्स हैं वो एक तरफ हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इस तरफ ओनली 21 है, इसके साथ n नहीं है। तो इसमें हमने सिंपली इनका एलसीएम लेना है। किस किस का एलसीएम लेना है हमने, देखो 2 4 और 6 नीचे है ना, 2 4 6, इसका एलसीएम लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 3 का 3 आ जाएगा, फिर 3 1 यहाँ पे 1, 3 1 जा 3। अब देखो एलसीएम क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, 12। अब क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम आता है उसको नीचे वाले से डिवाइड, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, 6 आंसर आ जाएगा ना। 6 को n से मल्टीप्लाई किया, 6n माइनस, फिर 12 को 4 से, देखो ऐसे करते हैं, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, आंसर क्या आया, 3। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9n प्लस, फिर 12 को 6 से डिवाइड किया, क्या आंसर आएगा, 6 2 जा 12, 2 इज द आंसर।
टू को फाइव से मल्टीप्लाई किया, टू फाइव जो टेन एन इक्वल टू 21। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये यहां चला जाएगा, इनको प्लस माइनस करो पहले। तो अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो टेन एन में सिक्स एन प्लस हो तो क्या आ जाएगा 16n माइनस 9n अपॉन में क्या आएगा 12 इक्वल टू 21। ठीक है, समझ आ गई? क्या किया था मैंने, इन दोनों को ऐड कर दिया था, उसमें से फिर 9n को हम क्या करेंगे माइनस। इनको ऐड हमने क्यों किया, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 10 और 6 16n माइनस 9n अपॉन में 12 इक्वल टू 21। अब देखो क्या करेंगे रजे, अब इसको माइनस कर देंगे, 16 में से 9 गए कितना होता है 7n बाय 12 इक्वल टू 21। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, मैंने आपको बताया जब भी ऐसे आ जाता है, 20 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है 21 के नीचे, है ना। एन इज इक्वल टू 21 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 7 कहाँ आ जाएगा नीचे, 1 इंटू 7। यहां मैंने वैसे 1 लगाया कि कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, 7 1 के पास आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा। अब देखो इसको काटो, 7 3 जा 21, 7 के टेबल में आता है ना 21, तो n इज इक्वल टू 12 3 जा 36। तो हमारा आंसर कितना आया, n इज इक्वल टू 36 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे दो क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, इसको आप कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराऊंगी और फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।